कौन है भोजपुरी की नई एक्ट्रेस सोनालिका प्रसाद, जिनकी खूबसूरती के लोग हो रहे हैं दीवाने। भोजपुरी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बड़ी बनती जा रही है और अब भोजपुरी सिनेमा में भी नए नए टैलेंटेड लोग रुक कर रहे हैं। और इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है, जिनकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर हो रहे हैं, और ये नाम है सोनालिका प्रसाद का। लेकिन सोनालिका प्रसाद के बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं है। ऐसे में हम आपको उनसे जुड़ी बातें आज इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि सोनालिका भोजपुरी फिल्म जगत में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है। सोनालिका का जन्म 5 अक्टूबर 1991 में पटना में हुआ था। सोनालिका में सिनेमा के प्रति दीवानगी उस वक्त जगी जब वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। इसके बाद उन्होंने लोकल न्यूज चैनल में बतौर एंकर काम करना शुरू भी कर दिया। उस दौरान सोनालिका मनोरंजन से जुड़ी खबरों को लेकर आती थी, लेकिन फिल्मों में आने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और काम के साथ साथ अपने ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट किया। सोनालिका प्रतिभा से लबरेज थी। सोने मौका मिल गया ईटीवी नेटवर्क से जुड़ने का और वो यहाँ भी मनोरंजन वाली खबरों को बतौर एंकर लेकर दर्शकों के सामने आई। एक इंटरव्यू के दौरान सोनालिका ने बताया था कि उनके पिता एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका ये सपना पूरा ना हो सका। शायद इसी वजह से एक्टिंग उनके खून में है। कल जो सपना उनके पिता ने देखा था, अब वो उसे पूरा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि निर्देशक रजनीश मिश्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म राज तिलक से भोजपुरी जगत में डेब्यू करने वाली सोनालिका आज लगभग दर्जन भर से ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। इनमें केवल राज तिलक ही बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इस फिल्म में गोल्डन गर्ल सोनालिका सुपरस्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू के साथ नजर आई थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था, खासकर नई नवेली अभिनेत्री सोनालिका प्रसाद के दमदार अभिनय को। और अब उम्मीद की जा रही है कि साल 2020 में भी सोनालिका बड़ी से बड़ी फिल्में देंगी। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।